हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिप्रा गुप्ता फ्रॉम एसकेएनजीडी पब्लिक स्कूल। टुडे आई टीच यू अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ द अर्थ ऑफ द ज्योग्राफी इनसाइड अवर अर्थ। इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्रस्ट जो लेयर होती है वो अर्थ पर कहाँ पर होती है। फर्स्ट लेयर जो क्रस्ट के बारे में बताया था, क्रस्ट जो है वो उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है और वो कितने डिपेस तक है, 35 किलोमीटर। उसी के बाद हमारी नेक्स्ट जो लेयर है वो है मेंटल। कौन सी लेयर है? मेंटल। मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी बात की जाए तो ये अर्थ की सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर है। कौन सी, कैसी लेयर है? थिकेस्ट है। और अगर इसकी, अगर हम जब आप अपर क्लास में जाएंगे तो मेंटल भी टू पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? टू पार्ट्स में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और लोअर जो मेंटल होती है वो कैसी होती है? वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। जस्ट बिनीथ द क्रस्ट मेंटल जो लेयर है उसमें क्या होता है? मोल्टन स्टेट में मैग्मा उसमें होता है। और वो किस लेयर में होता है? जो उसकी लोअर वाली जो लेयर होती है उसमें होता है। मेंटल एक्सटेंड अप टू द डेप्थ। अगर हम इसकी डेप्थ की बात की जाए तो ये कितने किलोमीटर तक है? 2900 किलोमीटर ब्लो ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट की जस्ट फिनिश होने के बाद हमारी कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? मेंटल लेयर स्टार्ट हो जाती है। और इसकी अगर थिकेस्ट की बात की जाए तो इसकी जो थिकेस्ट है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। आपसे बताया था कि क्रस्ट लेयर सबसे थिन है, थिन इसीलिए केवल वो 35 किलोमीटर है। अगर यहाँ हम मेंटल से कंपेयर करेंगे तो इसकी कितनी है? कितनी थिक होगी ये लेयर? तो सबसे थिक। और ये किस लेयर, इसको हम क्या भी कहते हैं? मिडिल लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है कोर। कोर भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, इनर कोर और अपर कोर। इनर कोर जो है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होती है, मोल्टन फॉर्म में होती है। इनर कोर मोस्ट लेयर इज द अर्थ इज द कोर। इसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। रेडियस ऑफ द कोर अबाउट द, अगर हम इसकी रेडियस की बात की जाए तो इसमें लगभग कितना होता है? 3500 किलोमीटर तक है। इट इज द मेनली मेड ऑफ द निकेल। और ये बनी किससे होती है? ये वाली जो लेयर है वो किससे बनी हुई होती है? निकेल और आयरन से बनी हुई होती है। इसलिए इस लेयर को हम क्या कहते हैं? निफे के नाम से जानते हैं। निफे बनता कैसे है? निकेल प्लस फेरस और उसको मिलाकर क्या बनाया जाता है? निफे बनता है। इस कारण से हमारी अर्थ पर जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो वोल्केनो इरप्शन से सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? निफे निकलता है, मीन्स फेरस मिनरल्स सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। और जो कोर लेयर होती है उसका टेम्परेचर कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस। 5000 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ हाइएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 45 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का डीपेस्ट पे जो टेम्परेचर है वो कितना है यहाँ का? 5000 डिग्री सेल्सियस। सो द मटेरियल्स इनसाइड, जितनी भी मटेरियल्स इसके अंदर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? मोल्टन फॉर्म में होते हैं। तो आज हमारी तीनों लेयर क्लियर हो गई, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रॉक्स एंड मिनरल्स, कि रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक्स एंड मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट पर वेरियस टाइप्स की रॉक्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन वो जो रॉक्स हैं वो रॉक्स बनी किसकी होती है? अगर हम रॉक्स को डिफाइन करें तो रॉक्स भी कई टाइप्स की होती हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अगर ये जो रॉक्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये जो रॉक्स होती हैं इनका फॉर्मेशन जो होता है वो हम कहें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अलग अलग रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट रॉक्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रॉक्स होती है वो इग्नियस रॉक्स होती हैं, क्योंकि ये किसके थ्रू बनी होती है? ये अर्थ पर जो वॉल्केनो होता है उस वॉल्केनो के इरप्ट होने से क्या होती हैं? ये रॉक्स बनती हैं। जो वॉल्केनो होता है वॉल्केनो के इरप्शन से ये रॉक्स बनती हैं। इनमें क्या होता है? नेचुरल मास ऑफ द मिनरल्स ऑफ द मैटर होते हैं। दे कैन डिफरेंट कलर एंड साइज एंड टेक्सचर। और इनको सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कलर, साइज और इनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है? अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। और अर्थ क्रस्ट पर हमें क्या देखने को मिलती है? रॉक्स ही देखने को मिलती हैं। अगर हम कहें अर्थ क्रस्ट जो है वो किसकी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो रॉक्स की ही बनी हुई है। तो ये हमारा ये वाला जो रॉक्स है इनको किस तरह से डिफाइन किया गया है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स, किस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे?
इग्नियस जो रॉक्स है वो क्या है, अगर हम कहें कि इम्पॉर्टेंट रॉक्स कौन सी है सबसे, तो इग्नियस रॉक्स जो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करते हैं, मेड अप द लैटिन वर्ड ऑफ द इग्नियस, मीनिंग होती है फायर, कि ये जो रॉक्स बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई होती है, फायर से बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉक्स है वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ये रॉक्सों का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्ड सॉलिड डाउन इग्नियस रॉक, और जब ये जो मैग्मा होता है, मान लीजिए ये वोल्केनो है, वोल्केनो कहाँ पर होता है, अर्थ पर होता है, और वह किस कोर से जुड़ा हुआ होता है, इनर कोर से जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? वोल्केनो। वोल्केनो का जो क्रिएटर होता है, इससे क्या निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब ये मैग्मा अर्थ पर आता है और धीरे धीरे ये कूल डाउन होता चला जाता है, होता चला जाता है, तो इससे क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। और ये लेयर किसका, कैसी संरचना हो जाती है, ये माउंटेन बन जाता है। और इसी माउंटेन से क्या बनता है, इसी माउंटेन से बनती है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम किस सेकेंड नाम से जानते हैं, प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। और इग्नियस रॉक्स भी दो पार्टों में क्या होती है, डिवाइड होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होती है। इग्नियस रॉक्स जो अर्थ के बाहर है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, एक्सट्रूसिव। क्या कहलाती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। लेकिन जो इग्नियस रॉक्स कुछ क्या होता है, देखो थोड़ा सा आप डीप जाएंगे कि जो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो बीच में क्या होते हैं, अर्थ के बीच में क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक्स में जो मोल्टन मैग्मा होता है वो यहीं पर क्रैक्स में भर जाता है, अर्थ के क्रैक्स में भर जाता है। तो ये मोल्टन मैग्मा अंदर भर गया है और ये ऊपर क्या है, लैंड की लेयर है, तो ये बीच में दब गया है, तो ये अंदर जो है यहीं पर कूल डाउन हो जाता है और ये देर में ठंडा होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये कैसा होता, इंट्रूसिव। अंदर है तो ये इंट्रूसिव रॉक्स बन जाती हैं, जब बाहर आते हैं तो ये कैसी रॉक्स बन जाती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। और अगर हम इनके टेक्सचर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे वो कूल डाउन होती हैं, यहाँ पर अलग अलग कलर की क्या होती हैं, इग्नियस रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं, इसमें ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट अगर हम पत्थर की बात करें वो काफ़ी कलर का आता है ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में बॉसाल्ट वगैरह ऐसे जो पत्थर होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कैसे होते हैं, जो काफ़ी मजबूत स्टोन होते हैं। तो हमारा इग्नियस रॉक्स वाला टॉपिक आज फिनिश होता है। थैंक यू।